आज तो सुबह सुबह ही दूध भी आ गया बहुत जल्दी। अभी दरवाजा ही खोला था मैंने। काफी लेट करके दूध आता है वैसे तो आजकल, 8 भी बज जाते, लेकिन आज काफी जल्दी आ गया। और चाय जो है मैंने बनने के लिए रख दी है, आज दूध भी काफी जल्दी आ गया था। और इसके बाद अब मैं डालूंगी कबूतरों का दाना। सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाले जो काम करने होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है कबूतरों को दाना डालना, बाहर बालकनी में बैठना, एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है सुबह सुबह ना, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करके भी उठ जाती हूँ और अच्छा लगता है। लोग तो मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं, लेकिन मैं तो योगा ही कर लेती हूँ। नीचे जाने का टाइम भी नहीं हो पाता है क्योंकि हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना होता है, तो इसलिए थोड़ा सुबह जल्दी काम होता है, ज़्यादा ही काम होता है थोड़ा। तो ये देखिए थोड़ी देर में कबूतर दाना खाने आ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है मुझे तो। और पॉसिबल हो तो आप लोग भी ज़रूर पंछियों के लिए दाना और पानी रखिए, क्योंकि बहुत सुकून मिलता है इस तरह से ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारी चाय भी बनके तैयार हो गई है, बस साथ साथ में ये छोटे मोटे काम होते हैं वो करती रहती हूँ, और गैस पे चाय भी बन जाती है, साथ साथ में मैं सब्जी भी बनने के लिए रख देती हूँ। तो चाय पीने से पहले मैं राजमा जो है उबलने के लिए रख दूंगी, फिर आराम से सुकून से बैठ के ना चाय पीऊंगी, क्योंकि राजमा तब तक उबल जाएंगे, उसके बाद फिर छौंकी लगाना रह जाएगा, तो चाय पीने के लिए भी टाइम मिल जाता है। और साथ साथ में मुझे गर्म पानी भी पीना होता है, तो सबसे पहले तो वही पीती हूँ, उसके बाद फिर आराम से चाय पीती हूँ। तो ये मैंने राजमा जो उबलने के लिए रख दिया है, इसमें एक छोटा सा आलू डाला है छील कर, और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, और साथ में हींग और तेल सरसों का। सुबह सुबह ना बालकनी में बैठना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही शांत और ठंडा माहौल होता है। अभी हल्के हल्के से बादल हैं और आज मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है। ये मेरे यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं कल मैंने बहुत सारी पैंटें धोई हैं, क्योंकि दो दिन से ना काफ़ी बारिश हो रही थी तो धुल ही नहीं रही थी, तो मैंने 5-6 जीन्स धोई हैं। अभी थोड़ी देर बाद इनको बाहर डाल दूँगी। और नीचे मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा मौसम है अभी तो। अब चाय पी लेते हैं। तो अब चाय पीने के बाद मैं फिर से किचन में आ चुकी हूँ राजमा को छौंक लगाने के लिए। तो जिस तरह सब लोग राजमा में छौंक लगाते हैं, मैं भी उसी तरह से लगाती हूँ। मैंने सोचा कि आज क्या दिखाना, हर बार तो दिखाती हूँ, तो आज मैंने झटपट से बना दी है। और ये राजमा में छौंक भी लग चुका है, देखिए बन के भी तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी इनको, और उसके बाद फिर हरा धनिया डाल के गैस जो है बंद कर दूँगी, और रोटी बनाऊँगी, टिफ़िन पैक करूँगी हस्बैंड का, और उनके जाने के बाद फिर अपना शावर वगैरह लेना, झाड़ू निकालना, फिर उसके बाद पूजा करूँगी। तो ये सारे काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ मंदिर में, तो सबसे पहले मंदिर की सफाई करूँगी, और जो बाल गोपाल है उनके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। तो ये देखिए मैंने मंदिर की सफाई भी कर ली है, जो पूजा के बर्तन है उनको भी धो के रख लिया है, और बाल गोपाल को भी नहला दिया मैंने, उनकी ड्रेस भी चेंज कर दिया। पहले पिंक कलर की पहनाई थी, आज मैंने येलो कलर की पहनाई है उनको, बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये बस मैंने पूरा मंदिर साफ़ कर लिया अच्छी तरह से, और अब बर्तन को सुखा के फिर इसमें जोत लगाऊंगी बाद में। तो चलिए मिलते हैं पूजा करने के बाद फिर तुलसी में पानी डालना रहता है, सूरज को अर्घ्य देना भी होता है, तो ये सारे काम पूरे करके फिर उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। तो ये सब काम करने में ना काफ़ी टाइम चला जाता है, और सुबह सुबह क्या होता है लंच वगैरह भी बनाना होता है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो थोड़ा लेट करके नाश्ता होता है मेरा, और पूजा करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि छोटे मोटे काम होते हैं ना, वैसे दिखते तो नहीं हैं लेकिन होते बहुत ज़्यादा हैं, बेडरूम वगैरह क्लीन करना, झाड़ू निकालना, तो ये सारे काम करने के बाद ही फिर शावर लेने के बाद ही पूजा हो पाती है, इससे पहले वो काम भी नहीं हो पाता है। तो कहने के लिए तो छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन टाइम जो है बहुत ले लेते हैं, और उसके बाद ही फिर मैं पोछा और डस्टिंग वगैरह करती हूँ, बाकी घर के काम, नाश्ता वगैरह। तो बस इस तरह से ही हम गृहिणियों की जो लाइफ चलती है। पूजा मेरी हो गई है, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे अपने
अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे और हैप्पी होंगे मेरी तरह। तो टाइम हो गया 10:15, अभी पूजा वगैरह की है मैंने, इसके बाद मैं करूँगी अभी नाश्ता और बाकी घर के काम जो है थोड़ा बहुत तो मैंने कर लिया है। सुबह का रूटीन जो हुआ आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नाश्ता करते हैं, सबसे पहले किचन में चलते हैं। पहले यहाँ की लाइट बंद और इस वाले बेडरूम की भी बंद और उसके बाद कितना अंधेरा होता है। तो पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में आज बेसन के चिल्ले हैं, बहुत ही टेस्टी बने थे सच में, अभी तक मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतने अच्छे बने थे। और साथ में गर्मा गर्म चाय तो और भी अच्छे लगते हैं। मैंने आज कॉफ़ी बनाई थी तो उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते और आप लोग भी घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, बहुत अच्छे लगते हैं, गर्मा गर्म हो तो और भी टेस्टी लगते हैं। तो घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसे लगे हैं। हरा धनिया भी ज़रूर ऐड करना उसमें, बहुत अच्छे लगते हैं। बने रहने न्यूज में तो नहीं बने रहने, मगर एक दो दोस्तों को पता है, फिर जो आयरन मैन का वो था, आयरन मैन तो मर गया ना, तो आयरन मैन का जो फिर उसके बाद ऐसे दिखाते हैं कि जो बहुत तेज भूख लग रही है मेरे को। बहुत अच्छे जबरदस्त बने आज तो, नमक मिर्च बहुत एकदम परफेक्ट है और धनिया भी डाला है ना, तो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं आज। गरम गरम है चलो आज का नाश्ता आ गया, नाश्ता अपना चल रहा था बढ़िया, साथ में कॉफी और बेसन के चिल्ले। मगर कॉफी तो किसी और की है, कॉफी तो मेरी है ना। काफी होशियार हो गई है आजकल। और दही चावल खाने में तो और भी डेजी डेजी खाना खा लिया डेजू, खाना खत्म कर दिया।
दही चावल तो जल्दी जल्दी खा लेती है, दूध के साथ फिर भी नखरे करती है थोड़ा बहुत, पर दही चावल बड़े अच्छे से खा लेती है। ये कहाँ गई है? ये देखो ना क्या कर रही है इधर। क्या चल रहा है? खाना खा लिया डेजी? ए चमक, चलो खाना खा लिया। अच्छा सेवा करवा लो, नौकर बैठे फ्री में नौकर लगे हुए ना, है ना, है ना। किसी कर रही है, किसी कर रही है, देखो तो। बिल्डिंग है ना, ऐसा लग रहा है कि बादलों को छू रही है ना, इतने सुंदर बन रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है आज तो, बहुत अच्छा लग रहा है, और एकदम ना धूप अच्छी खिली हुई है, तो कपड़े जो बहुत अच्छे से सूख गए मेरे। ज़्यादा टेंशन तो ये पैंट वगैरह की होती है कि पता नहीं सूखेंगे कि नहीं, टेंशन हो जाती है इनकी, पर आज तो काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं। और ये कुर्ती मैंने हाथ से धोई थी, ये दोनों ना, ये वाइट वाली और ये, और साथ में ये अखिल का कुर्ता है एक, ये भी, तो ये भी मुझे लगता है शाम तक तो अच्छे से ही सूख जाएगा। और बाकी कपड़े भी अच्छे से सूख गए हैं लोगों ने तो नीचे, ये देखिए गाड़ियों के ऊपर कपड़े डाल रखे हैं सुखाने के लिए, बेड शीट्स वगैरह ना, क्योंकि हालत जो अब बहुत ख़राब हो गई थी, तकरीबन एक हफ्ते से ना बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही थी और सूख भी नहीं रहते कपड़े, तो वहाँ उसके ऊपर सारे कपड़े डाले हुए हैं। यहाँ पे क्या टेरेस जो बंद रहता है तो ऊपर डालने के लिए मुश्किल होती है। आ रही हूँ, ये ले पकड़, ये खराबी है, तो जो टेरेस होते हैं ना वो बंद रहते हैं, उनमें लॉक लगा होता है, तो उसकी वजह से छत पे नहीं डाल सकते हैं कपड़े, तो सब लोग बालकनियों में डालते हैं, फिर नीचे जगह काफ़ी है तो नीचे डाल के आ जाते हैं काफ़ी लोग। तो देखिए इस टाइम पे कितनी अच्छी धूप है और ये हमारी बालकनी का व्यू मैं बिना चावल रख के आई थी और डेजी को खाना दिया था, देखते हैं चावल मैंने कहीं गैस तेज़ ना रखी हो, ये जल्दी जल्दी में रखे थे मैंने। और शिल्पी अपनी क्लास लगा रही है अपने बेडरूम में बैठ के। चलिए चाबी तो मेरे, ये देखिए। हाँ